नमस्कार। आज हम जानेंगे आहार कैसे लेना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि और पथ्यों में आहार के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में तो बहुत बातें की गई है, लाइक एलोपैथी है या नेचुरोपैथी है, लेकिन आहार को किस परिस्थिति में, किस तरह से, किस पोस्चर में कैसे ग्रहण करना है, उसकी बात लगभग कहीं देखने नहीं मिलती। 30-40% जो आहार की इफेक्ट है वो हमारे पोस्चर के कारण पड़ती है, उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसके लिए ये भी विचार करना पड़ता है कि किस परिस्थिति में आहार को कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए आयुर्वेद के, धर्मशास्त्र के और ग्रंथों के और भारतीय परंपरा और सभ्यता के अनेक प्रकार के नियम है। वो नियम का कहीं ना कहीं साइंस के साथ संबंध है, मनोविज्ञान के साथ संबंध है। तो इसलिए सबसे पहले हम 10 नियम को देखते हैं जो शारीरिक परिस्थिति को दिखाता है कि किस आपकी शारीरिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए जब आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मनुस्मृति में बताया गया है आर्द्रपादंतु भुंजीथ। तो ये पहला है कि भोजन कैसे, तो कि आर्द्रपादंतु भुंजीथ, यानी कि पैर गीले करके भोजन करना है। पैर गीले करके भोजन करने का जो अर्थ है या तो फिर जो हेतु है वो ये है कि उस समय परिभ्रमण शरीर का सम होना चाहिए या तो फिर न्यून होना चाहिए। ब्लड का परिभ्रमण यदि ज़्यादा है तो खुराक पचने में बाधाएं आती है, इसलिए परिभ्रमण की समता रहे इसके लिए पहला सूत्र ये बताया है आर्द्रपादंतु भुंजीथ, यानी कि पैरों को धोकर भोजन करना है। दूसरा सूत्र ये बताता है भोजन के लिए सुखासने भुंजीथ एकासने भुंजीथ, यानी कि सुखासन में और एकासन में भोजन करना है। सुखासन में यानी अच्छी तरह से बैठकर भोजन करना है, भागते भागते चलते फिरते भोजन नहीं करना है, खड़े खड़े भी भोजन नहीं करना है। सुखासन में एक जगह पर बैठकर, वो भी अंत तक बैठे रहकर भोजन करना है, बार बार उठना नहीं है। इसलिए बताया है एकासन, सुखासन और एकासन में भोजन करना है ताकि पचने में कोई हड़बड़ी न हो और शांति के साथ वो पच जाए। केवल आहार लेना जरूरी नहीं है, उसको पचाना भी जरूरी है। तीसरा सूत्र भोजन के लिए बताता है स्नात्वा भुंजीथ, यानी कि स्नान करके भोजन करना है, भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना है। स्नान करके अर्थात सुबह जिस दिन स्नान किया हो उस दिन आपका शरीर स्वच्छ होगा, बराबर माइंड होगा, उस दिन आपको भोजन करना है। यदि स्नान नहीं हुआ है तो स्नान होने के बाद भोजन करना है। चौथा सूत्र ये बताता है भोजन के लिए कि रहसी भुंजीथ, यानी कि एकांत में भोजन करना है। बाहर कोलाहल हो रहा है, सब लोग आते जाते हैं, ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना है। एकांत में, एक रूम में जाकर, दो तीन लोग हो तो चलेगा लेकिन एकांत होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में भोजन करना है। बाह्य परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। फिर बताते हैं जीर्णे अश्नीयात, भोजन का ये नियम बताता है कि पहले वाला पक जाए तो उसके बाद ही भोजन करना। आपको पता ही होगा कि सब्जी जब हम बनाते हैं तो थोड़ी सब्जी बनाई, अब बनाने रख दी है, 15 मिनट हो गई, अब कोई मेहमान आए, ज्यादा सब्जी बनानी है तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट वाली सब्जी में दूसरी सब्जी नहीं डाल देते हैं, अपितु अलग से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उसमें डालेंगे तो वो भी पकेगी नहीं और डालने वाली भी पकेगी नहीं। इस तरह से यदि पहले का पचा नहीं है उसमें हम ये भोजन डाल देंगे, वो भी नहीं पचेगा, ये भी नहीं पचेगा। जीर्ण हो जाने के बाद भोजन करना है, पहले का जीर्ण हो जाए उसके बाद भोजन करना है। भोजन का अगला नियम ये बताता है इष्ट देशे अश्नीयात, यानी अपने को जो अच्छा लगता है प्रदेश, जो स्थान, उस पर भोजन करें। यानी कि लेटरिन की बदबू आ रही हो, इसके पास बैठे हो, या तो फिर कोई गंदी गंध आ रही हो ऐसे स्थान पर बैठे हो, कोई आवाज़ बहुत आ रही हो ऐसे स्थान पर बैठे हो, तो जहाँ पर हमको पसंद नहीं है ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना है। चरक संहिता में भी ऐसा बताया गया है कि जो वधस्थान है उसके पास भोजन नहीं करना है, नेगेटिव ऊर्जा जहां पर है वहां भोजन नहीं करना है। फिर बताया गया है अहसन अजलपन भुंजीथ, भोजन का ये नियम बताता है कि मस्करी करते करते, यानी कि हंसी मजाक करते करते भोजन न करें, क्योंकि उस समय ध्यान है वो हंसी मजाक में रहेगा, पूरा भोजन में नहीं रहेगा। फिर कभी दुख लग जाएगा, कभी कुछ क्रिटिसाइज हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा तो उस समय क्रोध आ जाएगा, इसीलिए
है अजलपन अहसन, हंसना भी नहीं है और कुछ ऐसे जो बातचीत कर मतलब इस तरह की जो मस्करी होती है या तो फिर इसको कहते हैं कि एक तरह का उसमें वाद विवाद होता है, उस परिस्थिति में भोजन न करें, माने कि शांत रहकर भोजन करें। भोजन का अगला नियम ये बताता है नाति द्रुतम नाति विलंबितम भुंजित, यानी कि बहुत जल्दी भी न खाए बहुत धीरे भी न खाए। बहुत जल्दी खाने से तो पचेगा नहीं, बहुत धीरे खाने से जो है वो भूख है वो मर जाएगी। इसलिए अग्नि के अनुसार अति विलंबित भी नहीं खाना चाहिए और अति धीरे धीरे भी नहीं, अति धीरे भी नहीं अति फास्ट भी नहीं खाना चाहिए। फिर बताया गया है एक हस्ते न भोजनम, यानी एक हस्त से एक ही हाथ से भोजन करना ये एक सभ्यता का प्रतीक है। लोग क्या करते हैं दो हाथ से ऐसे नाखून लगाकर भोजन करते हैं, तो इस तरह से एक हाथ से व्यवस्थित रूप से उठाकर भोजन करना है ताकि उच्छिष्ट न हो। उच्छिष्ट क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन उच्छिष्ट न हो झूठा न हो इसके लिए एक ही हस्त से भोजन बताया गया है। तो एक हस्त से भोजन करना वो एक प्रकार की उत्तम सभ्यता है। तो आगे आता है आत्मानं अभिसंभिक्ष्य भुंजित, यानी कि पूर्णता से भोजन के विचारों के साथ पूर्णता से उसी के तन्मय होकर पूरा का पूरा ध्यान देते हुए ही भोजन करें। आत्मानं संभिक्ष्य अर्थात पूरा का पूरा ध्यान वहां पर दे और वो आसपास नजर रखकर भोजन करे ताकि परोसने वाले को आसानी रहे, हम व्यवस्थित रूप से जो लेना है जो छोड़ना है वो सब कुछ हम पहले तय कर सके ताकि उसमें कुछ बचे नहीं। तो ये एक सभ्यता का ही प्रतीक है आत्मानं अभिसंभिक्ष्य, यानी कि झूठा न छोड़े और खास करके वो पूरा ध्यान रखकर भोजन करे। तो ये 10 नियम हमारी शारीरिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। और भी बहुत कुछ नियम है जो भोजन को ध्यान में रखते हुए और मानसिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो भोजन के नियमों के बारे में, भोजन कैसे करना है उसको शारीरिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरे के पूरे नियम देखे। ये नियमों का पालन करने से हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि भोजन का बहुत बड़ा जो है रोल वो हमारे स्वास्थ्य के साथ है। तो इसलिए इस तरह से हम भोजन करेंगे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।